कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमती संतोष जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री हितेश जैन, श्री मयंक जैन परिवार C78 सुशांत लोक 1 गुरुग्राम, सौभाग्य भक्त श्री भारत जैन, श्रीमती अनु जैन परिवार अशोक विहार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमती रेवती देवी जैन, श्री ईश्वर चंद्र जैन, रेणुका जैन परिवार हौज खास दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन परिवार साकेत दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री कपिल, पूजा जैन, वर्षिका जैन परिवार ईस्ट पंजाबी बाग दिल्ली। आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करते हैं कि अपने मुखारविंद से समाज को उद्घोषित करके और लाभान्वित करें। देवली अनंतानंद सिद्ध परमेश भगवानी की, देवाधिकार श्री आदिनाथ भगवानी की, देवाधिकार श्री चंद्र प्रभु भगवानी की, देवाधिकार श्री शांतिनाथ भगवानी की, मुनिश्वरनाथ भगवानी की, राहुल नेमीनाथ भगवानी की, चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की, विश्व प्रभु महावीर भगवानी की, आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव हमारे जैनागम में कहा गया है, मंदिर के दर्शन, तीर्थ के दर्शन, सिद्ध क्षेत्र के दर्शन, अतिशय क्षेत्र के दर्शन, इन सब दर्शन को करने का हमारी जीवन में एक अलौकिक पुण्य होता है। पहले के समय में यदि कोई व्यक्ति सम्मेत शिखर जी की यात्रा करने जाता था और सम्मेत शिखर जी की जब यात्रा करके वह लौटता था तो उसका बहुमान सम्मान बहुत सारे कार्य होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि पहले के ज़माने में कोई भी तीर्थ यात्रा करना सरल नहीं था। पहले के ज़माने में सम्मेत शिखर जी जो होके आ गया तो समझ के चलना कि उसने बहुत बड़ा जीवन का पुण्य कर लिया। आज वर्तमान में साधन सुलभ हैं, व्यवस्थाएं सुलभ हैं। पहले सम्मेत शिखर दर्शन को जाता था व्यक्ति तो नीचे से खाली पेट जाता था और पूरी यात्रा करके ही खाता था, और कईयों को तो रात हो जाती थी, चढ़ते चढ़ते रात को होती थी कि वो खा ही नहीं पाता था, उपवास करता था। लेकिन आज चढ़ते चढ़ते खाता है, दर्शन करते करते खाता है, उतरते उतरते खाता है और कहता मैं सम्मेत शिखर जी दर्शन करके आ गया, अब मेरे जीवन का पुण्य उदय आ गया। पुण्योदय तो आया कि आप सम्मेत शिखर जी गए, लेकिन पुण्य को आपने पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं किया कि पुण्य को बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि पुण्य को घटाने का काम किया कि जो चीज़ आपको घर में नहीं खाना चाहिए वो आप सम्मेत शिखर जी जाकर खा रहे हो। एक बार जब शिखर जी की चर्चा चल रही थी तो मुझसे किसी ने कहा कि महाराज जी बहुत गलत कार्य हो रहे हैं, शिखर जी में आलू बिकता है, शिखर जी में कोल्ड ड्रिंक बिकते हैं, शिखर जी में ठंडा बिक रहा है, ये बहुत गलत कार्य हो रहा है, ब्रेड पकौड़े बिक रहे हैं। तो मैंने कहा वह गलत कार्य नहीं कर रहे, गलत कार्य तो आप लोग करते हो। बोले क्यों? मैंने कहा ठंडा इसलिए बिकता है, कोल्ड ड्रिंक इसलिए बिकता है, ब्रेड इसलिए बिकती है, आलू इसलिए बिकता है क्योंकि जैन खाता है। आज मुझे बताइए सम्मेत शिखर जी में जाकर खाने वाला कौन? तो आप सभी, हम सभी जो वहां पर जाते हैं, जो खाते हैं, तो डिमांड बढ़ती है। तो मैं आपको बता रहा था कि कहते हैं जिनेन्द्र भगवान के दर्शन, सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र के दर्शन जीवों को बड़े पुण्य संयोग से मिलते हैं। लेकिन उसमें भी जब जीव का तीव्र प्रबल पुण्य का योग आता है तो उसको तीर्थ क्षेत्रों पर, अतिशय क्षेत्रों पर संतों के दर्शन भी होते हैं। मंदिर में भगवान जी को विराजमान करना आज के समय में बहुत बड़ी बात नहीं रह गई। पहले एक भगवान जी विराजमान होते थे, 25-25, 50-50 गांव के लोग प्रतिष्ठा में सम्मिलित होते थे, और आजकल तो प्रतिष्ठा हर कॉलोनी में हो रहा है, बाजू वाले कॉलोनी वाला कोई बात नहीं, 2 महीने बाद हमारे यहाँ होने वाला है, और पहले सालों में, 25 सालों में, 5 सालों में एक बार होता था।
तो बता रहा हूं कि आज के समय में भगवान जी को जिन मंदिर में विराजमान करना है तो कोई कठिन कार्य नहीं करना है, अपने प्रतिष्ठा कराई हो गया। लेकिन आज के वर्तमान समय में साधु संतों को जिन मंदिर में लाना है, तीर्थ क्षेत्रों पर लाना है, अतिशय क्षेत्रों पर लाना है, तो बहुत बड़ा कठिन कार्य है। सबसे पहले तो समस्या ये होती है कि साधु महाराज जी आएंगे तो बिहार में जाएगा कौन? कमेटी के 11 लोग हैं, उनमें से 4-5 आदमी 60-70 साल के हैं, जो बेचारे अपने आप चल भी नहीं सकते, वो क्या जाएंगे? जो 3-4 आदमी हैं, किसी को बच्चे को स्कूल छोड़ना है, किसी को दुकान खोलना है, और एक आध और कोई था वो आउट ऑफ स्टेशन चला गया, शादी चल रही है, हो गया काम, और बस जयकारा गुरुदेव का आगे, क्या बोलते हो, जयकारा गुरुदेव का, बस जय जय गुरुदेव। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, हमारा कल्याण हो जाए। कल्याण तो महाराज जी नित्य प्रति भक्तों का चाहते हैं, लेकिन कल्याण करने के लिए जो लोग कल्याण पथ पर चल रहे हैं उनके साथ में चलो तो मालूम चलेगा। वर्तमान समय में जहाँ पर प्रातःकालीन क्षेत्र में लोग 7-7:30 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते, क्यों नहीं निकलते? गर्मी है, पारा 44-45-41 हो रहा है, वहाँ पर दिगंबर संत नग्न मुद्रा में बिना किसी सहारे के दोनों टाइम विहार करते हैं, क्यों करते हैं? महाराज जी कोई तीर्थ पर जा रहे हैं तो महाराज जी को कोई फायदा नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले हैं, यह उनके जीवन का फायदा है। तो आपके यहाँ पर कोई संत आ रहे हैं तो आप उनके चरण वंदना करने का प्रयास करो, क्योंकि यह वही चरण हैं जो कितने मंदिर के, कितने तीर्थों के, कितने अतिशय क्षेत्रों के और कितने सड़कों पर चलकर आपका कल्याण करने के लिए आए हैं, और अपने जीवन का कल्याण हम भी कर रहे हैं और हमारे माध्यम से श्रावक का भी कल्याण हो रहा। वैसे तो आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने रैणसार नाम का एक ग्रंथ लिखा, और रैणसार नाम के ग्रंथ में लिखा कि जो श्रावक जब संतों को आहार देते हैं, जो श्रावक जब संतों को आहार देते हैं तो वह श्रावक नहीं होते बल्कि क्या हो जाते हैं? वह माता पिता के रूप में हो जाते हैं। उसमें गाथा में कहा गब्बस्तमेव मादा, उन्होंने कहा कि जिस तरह से माता अपने गर्भस्थ बालक का ध्यान रखती है कि उसको ठंडा ना दूं, गर्मा ना दूं, खट्टा ना खाऊं, ऐसा वैसा ना करूं, उसी तरह से श्रावक भी साधुओं को आहार देता है तो उस तरह से ध्यान रखता है कि भाई हमारे साधु आए तो गर्मी में हमें क्या देना। अब आप क्या, महाराज जी का आहार हो गया और आपने गर्मी में उकाली दे दी तो क्या होगा, और ठंडी में ठंड की वस्तु दे दी तो क्या होगा? तो ये विवेक होना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं श्रावक में 3 है, सा वा और का। सा से श्रद्धावान, वा से विवेकवान और का से क्रियावान। जिसमें तीनों गुण समाहित होते हैं वही श्रावक कहलाता है। एक बार एक काल्पनिक सी बात है, कर्नाटक में बिहार चल रहा था, तमिलनाडु में बिहार चल रहा था, आंध्रा में बिहार चल रहा था, एक शहर में नगर में लगभग 25-30 साल बाद कोई संत पहुंचे, और जब 25 साल बाद कोई साधु पहुंचता है तो लोगों में बड़ा जोश होता है, दर्शन का उमंग होती है, दर्शन की उमंग होती है। और पहले के जमाने में इतना सरल नहीं था, आजकल तो चीजें सरल होती जा रही हैं। तो लोग दर्शन को पहुंचे, आहार में बहुत भीड़, एक महिला पहुंची, आई, महाराज जी तो मौन रहते, क्या बोलते हैं, ऐसा शुद्धि बोलिए, बोला मन शुद्धि, पचन शुद्धि, काय शुद्धि और आगे आहार जल शुद्ध है। महाराज जी का मौन था, महिला खड़ी थी, दूध का लोटा उसके हाथ में था, महाराज ने इशारा किया, बोले मुझसे नहीं होगा। महाराज जी बोले बोले मुझसे नहीं होगा, उसका सिर खुला हुआ था, महाराज जी की अंजलि बनी, महाराज जी क्या बोलेंगे, उन्होंने ऐसा बोले मुझसे नहीं होगा। जब 4-5 बार महाराज जी ने कह दिया कि इशारे से सीढ़ को बोले मुझसे नहीं होगा, तो महाराज जी ने आग दिखा कर हम, तो उसके हाथ में दूध का लोटा था, वह महाराज जी के नजदीक आई, दूध का लोटा था, महाराज जी के नजदीक आई और नजदीक आई और दूध का लोटा सिर के पास ले गई और बोली गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। उनको लगा कि महाराज जी कह रहे मेरा
दूध से अभिषेक करो, क्योंकि बाहुबली में क्या हुआ, बुढ़िया की लुटिया, सुनते ना, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, तो उनको लगा मुझसे कह रहे हैं दूध का अभिषेक करो। तो उस दिन से हम लोगों ने, मैंने खुद ने अपना स्टाइल बदल दिया। आजकल हम लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं। भैया फिर हादसा हो गया तो क्या होगा, फिर हादसा हो गया तो क्या होगा, तो इसलिए हम लोग आजकल ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं, ऐसा उल्टा। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जीवन में संतों के दर्शन, भगवान के दर्शन, तीर्थ के दर्शन बड़े पुण्य से होते हैं। और आज हमारे जीवन का भी प्रबल पुण्य का योग है कि आज हमने अतिशयकारी, अभी तक तो हम समुच्चय मार्ग में पढ़ते थे, जो मैं देव सी अरिहंत पूजो वाला पढ़ते थे, तो उसमें कहते थे चमत्कार जी श्री महावीर जी। तो मैं समझता था पहले बचपन में, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि चमत्कार जी महावीर जी क्या होता है, क्या हुआ कि कोमा भूल गए लोग, श्री चमत्कार जी कोमा महावीर जी, तो लोग के चमत्कार जी श्री महावीर जी, चमत्कार जी महावीर जी है। लेकिन यहाँ पर जब मालूम चला तो दर्शन किए। कल मैंने यहाँ के जो प्रधान जी, समिति के लोग थे, समाज के लोग थे, उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि आदिनाथ भगवान की प्रतिमा सालों साल पहले कहीं से निकली, और जब से यहाँ पर चमत्कार जी प्रकट हो गया, और जब प्रतिमा निकली तो केसर की वृष्टि हुई। और पता नहीं, ये तो हम लोग सुन रहे हैं, ना जाने क्या क्या हुआ होगा, पंचाश्चर्य हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे चमत्कारी आदिनाथ भगवान के दर्शन, वही भी स्फटिक मणि के, हमने पहली बार किए, और उनके दर्शन करके अपने जीवन को हमने धन्य करने का प्रयास किया। और सवाई माधोपुर तो संतों की नगरी है, यहाँ पर मुझे लगता है कि हर साल दो साल में, अर्थात हर पाँच साल में तीन चौहासे हो ही जाते हैं, कोरोना काल छोड़ दीजिए, साधुओं का समागम होता है, बहुत सुंदर सी व्यवस्थाएँ हैं, बहुत सारे जिन मंदिर हैं, एक एक मंदिर में 800-800 हज़ार प्रतिमाएँ हैं। तो ऐसे चमत्कारी जिन मंदिर, जिन दर्शन के अलग ही उल्लेख हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे, और आप सभी जानते हैं कि जो संघ का विहार है वह दिल्ली से श्री क्षेत्र कचनेर जी के लिए हो रहा है। जैसे समय मिलता है, जैसी व्यवस्था बनती है, एक दिन दो दिन उतना हम लोग यहाँ पर ठहरने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोग भी जब भी समय मिले चमत्कार जी पहुँचें। यहाँ पर पद्म प्रभु भगवान जो कि मूल लायक हैं यहाँ के, लेकिन जब से आदिनाथ भगवान प्रकट हुए हैं तो आदिनाथ जी के नाम से, चमत्कार जी के नाम से यहाँ का जो तीर्थ है वह प्रख्यात हुआ। और वैसे एक बात बता दूं कि तीर्थ तो सब प्रख्यात होते ही हैं, लेकिन हम लोग भगवान के दर्शन करके, तीर्थों के दर्शन करके अपने आप को प्रख्यात करने का प्रयास करते हैं। अपने हम अपनी सिद्धि प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए भगवान के मंदिर में आते हैं, नहीं तो भगवान के मंदिर में चाहे राजा आए, चाहे रंक आए, चाहे गरीब आए, चाहे अमीर आए, सबके लिए समान भाव है। वहाँ पर आदिनाथ भगवान जो यहाँ विराजमान हैं, वह तो मैं जाऊँ चाहे आप जाओ, उनकी दृष्टि नासा पर है। अंतर इतना है कि हमारी जो करंट के तार हैं वह थोड़े ज़्यादा जुड़े हैं आपके मध्यम में जुड़े हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके तार अभी तक जुड़े ही नहीं हैं। तो आप अपने तारों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि तार जुड़ जाएंगे तो लाइट नहीं होगी तो भी जनरेटर से काम हो जाएगा, और तार नहीं जुड़े होंगे तो जनरेटर हो ना हो, इन्वर्टर होना हो, लाइट होना हो, कोई फायदा नहीं है। तो अपने तार भगवान से जुड़ें, अपने तार गुरुओं से जुड़ें, अपने तार शास्त्र से जुड़ें, और जिसके तार देव शास्त्र गुरु से जुड़ जाते हैं उसका जीवन तार तार नहीं होता, बल्कि उसका जीवन तर जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो आप सभी आदिनाथ भगवान की चरण निष्ठा को सुने, दर्शन करें और धर्म लाभ लें, यही मंगल भावना, यही मंगल कामना। इति अल्पम। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। जिनेन्द्र, परम पूज्य बुंदेलखंड के श्री आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं, और हर शुक्रवार को
निर्माणाधीन मुनिसुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमती संतोष जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री हितेश जैन, श्री मयंक जैन परिवार, C78 सुशांत लोक 1 गुरुग्राम, सौभाग्य भक्त श्री भारत जैन, श्रीमती अनु जैन परिवार, अशोक विहार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमती रेवती देवी जैन, श्री ईश्वर चंद्र जैन, रेणुका जैन परिवार, हौज खास दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन परिवार, साकेत दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री कपिल, पूजा जैन, वर्षिका जैन परिवार, ईस्ट पंजाबी बाग दिल्ली।